आज मैं सुबह जैसे ही बेड से उठा था उठा भी मुझे रियलाइज होता है कि आज तो मैं ऑफिस के लिए लेट हो चुका हूँ, क्योंकि कल रात मैंने रात देर तक जाकर काम किया था और आज मेरे ऑफिस जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। लेकिन आज तारीख क्या है, आज तो फ्राइडे है, 11 तारीख, आज तो मानवी है, मतलब ऑफिस की छुट्टी होगी और कल तो दशहरा है, मतलब कल भी छुट्टी है। लेकिन इसमें इतना ज्यादा खुश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे सिटी में कोई भी रावण बनाता ही नहीं है, क्योंकि बड़े बुजुर्गों का कहना है कि हमने 30 साल पहले एक बड़ा रावण बनाया था लेकिन वो जिंदा हो गया और तब हमारे गांव में इतनी बड़ी तबाही आई थी कि कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन मुझे तो ये सारी बातें बकवास लगती है। चलो ना, ये किसका फोन है? लगता है हाँ मेरा फोन बज रहा है। ओ, ये तो मेरे बेस्ट फ्रेंड पप्पू का फोन आ रहा है, उठा के देखता हूँ क्या बोल रहा है वो। हाँ भाई क्या बात है, बहुत दिनों बाद कॉल किया है। हाँ भाई वो बहुत काम रहता है ना, इसलिए थोड़ा सा बिजी था। वो सब छोड़, तुझे पता है कि हमारे सिटी में फाइनली 30 साल बाद वापस से रावण बनाया जा रहा है? क्या बकवास कर रहा है, सुबह सुबह या तो कोई रावण का नाम भी नहीं लेता है और तू बोल रहा है कि अपन रावण बना रहे हैं। अगर तुझे मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो न्यूज देख ले। अरे ये तो छोटी छोटी बातों पे भड़क जाता है, चलो जाने दो, लेकिन एक बार न्यूज देख लो क्या। हाँ देख ही लेता हूँ, अगर बनाया होगा तो मुझे मजा ही आ जाएगा। लेकिन मैं तो भूल गया, टीवी खराब है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास कंप्यूटर है, इसमें देख लेता हूँ। ये चल हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र निते और आज मैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा हैप्पी न्यूज लेकर आया हूँ, क्योंकि हमारे सिटी में फाइनली 30 साल बाद रावण बनाया जा रहा है। हालांकि बड़े बुजुर्ग अभी भी मना करते हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये सब बकवास है, इसलिए इस साल आपको हमारे सिटी में भी रावण दहन देखने को मिलेगा। लेकिन सिटी में खुशी के साथ अभी भी डर का माहौल भी है। ये कैसी आवाज थी और मेरा पीछे अपने आप बंद कैसे हो गया? अच्छा लाइट चली गई है, मैं तो फालतू का डर रहा था। अब तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है और सबको भी यकीन हो जाएगा कि ये बिल्कुल झूठ बात है। लेकिन मैं सोच रहा था कि क्यों ना एक बार उधर जाकर देख लूं। चलो मैं तैयार हो गया वापस जाने के लिए, लेकिन मुझे लगा टीवी में कुछ आवाज आई, लेकिन लाइट अभी भी गई हुई है। लगता है मेरा वेम है, इसलिए मुझे रात देर तक नहीं जागना चाहिए। लेकिन कार कौन सी लेके जाऊं? डिफेंडर नहीं, ऐसा कहता हूँ लेम्बो नहीं मस्टैंग, नहीं लेम्बो ही लेके चलते हैं, क्योंकि सबको लगना चाहिए ना कि कोई बड़ा आदमी अपने लेम्बो को लेकर रावण देखने के लिए आया है। ये सोचकर मैं मजे में जाने लगता हूँ, लेकिन मुझे क्या पता था कि एक बड़ी मुसीबत मेरा इंतजार कर रही थी। मेरे कार को क्या हुआ, ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? अभी तो ये ठीक ठाक ही चल रही थी, इसमें तो पेट्रोल भी पूरा है और कल ही तो मैंने इसके सर्विस भी करवाई थी, लेकिन पता नहीं अब इसको क्या हो गया। ऐसे करता उतर के देखता हूँ, अरे नहीं ये क्या हो गया, मेरे लेम्बो के बोनट में से तो धुआं निकल रहा है, अब क्या करो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इसके इंजन में आग तो नहीं लग गई, अब क्या करूं? मेरे करोड़ों के लेम्बो और गिनी डिक्की खोल के देख, हो गया नहीं शायद गर्म होगा। मुझे ऐसा करता हूँ किसी को फोन करके बुलाता हूँ, लेकिन किसको बोला, ऐसा करता उसको पानी में डाल देता हूँ, नहीं पानी को इस पर डाल देता हूँ, लेकिन हो सकता है कि इससे इंजन और खराब हो जाए, उसमें आग लग जाए। लेकिन अब क्या कर भी कर सकता हूँ, ऐसा करता हूँ पढ़ रहने दो। बाद में बेनी को बुला के दिखाता हूँ, अब मेरा रावण के पास जाने का ट्रिप कैंसिल, आज का तो दिन ही खराब है। ये क्या है? अरे दोस्त क्या कर रहा है, मैं तो रावण देखने के लिए जा रहा हूँ, चलेगा? हमें रुक जाए, वैसे भी मेरी लेम्बोर्गिनी खराब हो गई। अच्छा तो यहाँ पे आ गया, देख मेरी लेम्बोर्गिनी खराब हो गई थी, तो फिर मैं किस दिन काम आऊंगा? जल्दी से कर भेजे वरना मैं अकेले चला जाऊंगा। नहीं नहीं अकेले मत जा, बैठ रहो रुक जा। लेकिन तेरे पास ये लेम्बोर्गिनी कहाँ से आई, कैसे चोरी करके लाया है क्या? नहीं नहीं मैंने तो ये कल ही न्यू खरीदी है। लगता तो नहीं है, ये पप्पू लेम्बोर्गिनी में खरीद सकता है। कुछ बोलो तूने। नहीं नहीं मैं बस बोल रहा था तेरा गियर बॉक्स अच्छा है ऑटोमेटिक, इसलिए एसी भी बहुत अच्छा है, ठंडी ठंडी आवाज आ रही है। लेकिन एसी तो बंद है। नहीं वो एसी चालू कर दे तू बस, मुझे तो नींद आ रही है, तू बस गाड़ी भगा जल्दी। अरे भाई उठना, सो गए क्या? अरे जल्दी उठ। हाँ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? हाँ ये हम कहाँ पहुँच गए? देख भाई हम रावण के पास पहुँच गए, साइड में देख कब से ही तो सो रहा है तू गाड़ी में। साइड में कहीं तू ही तो रावण नहीं? अरे बेवकूफ उस तरफ देख। अच्छा इस तरफ किधर? वाओ भाई कितना बढ़िया काम चल रहा है भाई, मूड फ्रेश कर दिया तूने, थैंक यू भाई। चल जल्दी से गाड़ी से बाहर उतर कर पास चल के देखते हैं। नहीं 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 मैंने चल रहा, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, ये इतना अजीब भी है क्यों कर रहा है रावण को देख के? मुझे भी इसके साथ बैठने में डर लग रहा है, ऐसा करता हूँ मैं पास जाके देख के आ जाता हूँ, तू यही पे रुकना, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। ये रावण तो अभी आधा ही बना है, ये कहाँ भाग रहा है? ये तो डर के भाग गया, ये मेरी बात क्यों नहीं सुनता है? लेकिन जब से इसने रावण को देखा ये इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है? लेकिन यहाँ पर कोई वर्कर क्यों नहीं जा रहा? कल ही दशहरा है और क्या ये रावण कल तक कम्प्लीट
हो जाएगा मुझे तो नहीं लगता है। अभी तक तो इसके आड़ी बॉडी ही बनी है, पता नहीं ये कब पूरा बनेगा। ये बॉक्सेस चौक रहे, उड़ा क्या कर रहा है? अरे भाई ये किसकी आवाज है, लगता है जाके क्या कर रहा है, हिड़ रहा है तू? लेकिन वो बंदा मुझे बुला रहा है, मुझे जाना चाहिए या फिर नहीं? एक बार पास जाके देखता है वो बोलना क्या चाहता है। अब छोकरे क्या है रे, वहाँ पे जाके चोरी कर रहा था क्या रे? एक तो 30 साल बाद रावण बना रहे और तुझको चोरी करने की पड़ी है रे? नहीं मैं बस इस रावण को देख रहा था, मैंने कभी देखा नहीं है 30 सालों से। झूठ बोलेगा रे मुझसे, अभी ये मुझे मार देता है। अरे क्या कर रहा है, पागल हो गया है क्या? मुझे तो यार भी पागल लग रहा है, मुझे यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। मेरे ऑटो से बच के किधर जाएगा रे? पहले चोरी करता है फिर मुझे पागल बोलता है रे तू। मैं ठीक हूँ। हाँ मैं ठीक हूँ। वो आदमी कहाँ गया? क्या रे बेवड़े लोग आजकल यहाँ पर सड़क पे पड़े थे दारू पी के। मैं किस शकल से इनको दारू उड़िया दिख रहा हूँ? मुझे पहले उठने दो। एक तो उस बंदे ने इतने जोर से मारा मेरे सर पे, अभी तक मेरा सर दर्द कर रहा है। दारू पीएगा तो घूर क्या होगा रे? तेरे सब बेवड़े लोग हैं, दारू पी के मरेगा तुझे। ये लड़की क्या क्या बकते हुए जा रही है। मेरे पैर में भी चोट लगी लगता है। नहीं कुछ नहीं हुआ मेरे पैर को, रुक तो। चली गई जाने दो, वैसे भी मैं लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता। हाथ उठा के भी देख लियो, हाथ मोड़ के यहीं पर फुटपाथ में डाल दूंगी जिसको। आ जाते बेवड़े लोग, कैसे दारू पी के शकल देखी होगी अपने। क्या क्या बोल के जा रही है ये लड़की। चलो कोई बात नहीं, रावण के साथ 2-4 गालियां भी सुन ली। आज का तो दिन ही खराब है, अब मुझे ऑटो से घर जाना पड़ेगा। चलो घर तो आ गया, लेकिन वो क्या है, मुझे कुछ साफ नहीं दिख रहा है। उस बंदे की वजह से मेरा सर अभी तक घूम रहा है, ये क्या है? यहाँ पर तो मेरी लैम्बोर्गिनी खड़ी थी ना। ओ शिट, मैं तो अपनी लैम्बोर्गिनी को यहीं पे छोड़ के चला गया था। मुझे तो याद भी नहीं है कि इसके इंजन में आग लगी थी और अब आग इतनी फैल गई। मेरी करोड़ों की लैम्बोर्गिनी मेरे सामने जल के खाक हो गई है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। ये मेरी ड्रीम कार थी जिसे मैंने पूरे 10 साल मेहनत करके ली थी। मुझे तो चक, ये मैं कहूँ मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। ये तो मेरा घर है और मेरी लैम्बोर्गिनी, अच्छा तो वो जल के खाक हो गई थी, लेकिन मैं यहाँ पर कैसे आया? मैं तो बाहर बेहोश हो गया था। चलो जो सो, अब आज रात भी हो गई है, अब मुझे सो जाना चाहिए क्योंकि कल दशहरा है, मुझे रावण भी देखने जाना है, वो मिस नहीं कर सकता। चलो सुबह हो गई, अब जल्दी से नहा के रेडी हो जाता हूँ। 2000 years later. चलो मैंने फाइनली घिस घिस के नहा लिया है, अब जल्दी से रावण देखने के लिए चलते हैं। ये मैसेज कौन सा आया अभी? अरे रावण दिन तो रात के 9 बजे, काफी ज्यादा अंधेरा हो जाएगा, पता नहीं रावण दिखेगा भी या नहीं। मैं तो अभी जाने वाला था, अच्छा हुआ ये मैसेज पहले आ गया, लेकिन अब रात तक इंतजार करना पड़ेगा। चलो रात के 8:45 बज रहे, सिर्फ 15 मिनट बाकी है, मुझे मस्टैंग में चलना चाहिए। चलो मैं विलेज के पास तो आ गया, रावण उसके पास ही बनाया गया था, उसके पैर दिख रहे हैं मुझे। मैं गाड़ी को यहीं पर खड़ा कर देता हूँ क्योंकि पता नहीं उस रावण में कैसे कैसे फटाके लगाए गए होंगे, इसलिए पास लेके जाना सेफ नहीं होगा। लेकिन अजीब बात ये है कि 8:55 हो गए, यहाँ पर कोई भी आया नहीं है। लगता है किसी को रावण डन देखना पसंद नहीं है क्योंकि यहाँ पर लोग तो रावण डेन को श्राप मानते। चलो कोई बात नहीं, कोई नहीं आया तो क्या हुआ, मैं तो आया हूँ। 9 बजने में सिर्फ 2 मिनट बचे और 2 मिनट में रावण डेन होने वाला है। कैसे 2 मिनट बचे? मैं अपना कैमरा ऑन कर लेता हूँ और रावण से 100 मीटर दूरी बनाए रखे। 2 मिनट बचे लेकिन राम कहाँ पर है जो किसे डन करेगा? यहाँ पर तो क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी तो कुछ सेकंड से बचे है लेकिन मेरा कैमरा ऑन क्यों नहीं हो रहा है? 3, 2, 1 ये क्या है? लेकिन मेरा कैमरा क्यों नहीं ऑन हुआ भाई, कितना मजेदार स्क्रीन था। लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई आया नहीं है, किसने न्यूज नहीं देखी क्या? और तो मेरा दोस्त पप्पू भी नहीं आया है। लेकिन ये लाल कलर की क्या चीज है, ये क्या हो रहा है, ये अपने आप हवा में कैसे उड़ रहा है? मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए।